नमस्कार सभी को। जैसे आपको पता है कि नियमित रूप से मैं एक लैंडस्केप आपको बता रहा हूँ, तो आज भी एक लैंडस्केप बनाने का एक योजना है। आपके सामने पेपर है, मैं एक छोटी सी ड्राइंग आपके सामने कर लेता हूँ। एक लाइन मैंने खींची है, लाइन खींचने के बाद किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। ये मैं एक लैंडस्केप बनाने जा रहा हूँ, हिलस्केप। दो पहाड़ बना लिए हैं। आपके सामने मैंने ड्राइंग कर ली है, और ड्राइंग करने के बाद जैसे अपने नियम होते हैं आर्ट के, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करते चल रहे हैं। स्टार्टिंग में स्काई से कर रहे हैं, और इसका क्योंकि जैसे बता रहा हूँ बहुत लिक्विड कलर्स मैं कर रहा हूँ, और ये लिक्विड कलर जो है ये फैब्रिक कलर्स में है। आप देखेंगे बहुत पतले पतले कलर्स में कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क कलर कर देंगे तो ये पेटर कलर फिक्स हो जाएंगे और ये कभी छूटेंगे भी नहीं। तो कोई भी हम कलर करना है तो बहुत लाइट कलर्स में, और पानी की मात्रा की ज़्यादा करते हुए मैं ये कर रहा हूँ। और किस तरह से ये तो एक पृष्ठभूमि में मैंने ये कलर कर लिया है। फिर वही तरीका मैंने जैसे आपके सामने करूँगा, ये थोड़ा सा बहा दिया है। ये मैंने एक बार हल्का कलर को वॉश जैसा कर दिया है, मतलब बहुत पतले लिक्विड कलर्स में कर दिया है। और लिक्विड करने के बाद जैसे मैंने बता रखा है कि गीले कलर पे ही मैंने शुरुआत की है, ताकि ये सूखने के बाद कलर में हार्डनेस आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि कलर को सिर्फ पानी की मात्रा खूब बढ़ाइए। मैंने नहीं क्या होगा, तो किस तरह से ये कलर्स मैं ये कर रहा हूँ, लिक्विड कलर्स बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। ये कलर आप देख रहे हैं साथ साथ कैसे कर रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे हम डार्क कलर की तरफ हम लोग कर रहे हैं। डार्क कलर्स करते करते क्या ध्यान रखना है मैं सब चीज, किस तरह से ये काम मैं पूरा करता हुआ आ रहा हूँ आपके सामने। किस तरह से मैं विंडो बना रहा हूँ, किस तरह घर की ड्राइंग की थी आपके सामने, और किस तरह से मैं कलर भी कर रहा हूँ। जहाँ आवश्यकता हो बारीक ब्रश इस्तेमाल करें, जहाँ आवश्यकता हो मोटे ब्रश चलाने का इस्तेमाल करें। तो आवश्यकता अनुसार इन चीज़ों को हम लोग फेरबदल कर सकते हैं। अब देखिए पहाड़ी गाँव किस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, ये सब बहुत सारे घर आपके सामने हैं, और हरा किसी की झोपड़िया में बना रहा हूं। तो सब कुछ आपके सामने बना हुआ है। और कंप्लीट करने के बाद में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक एक चीज को निकालना है, एक एक पेड़ झोपड़िया, जितनी डिटेल निकालेंगे उतनी पेंटिंग में मजा आ जाएगा आपके। इस तरह से देखो एक एक चीज को पूरा कर रहा हूं मैं। जैसे पहले बताया था, जितने आप डिटेल से काम करेंगे उतनी पेंटिंग में अच्छा लगेगा। और इस तरह से पूरा एक एक घर, एक एक झोपड़िया, एक एक पूरा जो व्यूज है, पूरे एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वही आर्टिस्ट की सफलता है अपने लिए, कि हम जो दिखाना चाहते हैं, जो हमारे मन की भक्ति है, क्या दूसरे तक तो पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है। तो एक एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद जैसे देखना होता है कि हम जो एक्स्ट्रा पेज है हमारा पेपर टेप, इसको हम बड़े बहुत केयरफुली उतारेंगे। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है हमारा ये, और देखने के बाद अच्छा सा लगेगा ये आपको सामने। ये टेपिंग मैंने जो किए है बड़ा ध्यान से उतारेंगे, और क्योंकि कलर कीड़ा हो तो थोड़ा सूखने के बाद उतारिए। अगर सूख चुका है तो बड़े ध्यान से
इस तरह से आपको उतार के इसकी और खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे, ताकि माउंटिंग में भी इसको करने में अच्छा लगेगा। ये आपके सामने चित्र तैयार है, आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा। इस चैनल को देखने के लिए आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।